जब एक केंद्र की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 2,00,000 करोड़ रुपए माफ कर सकती है, आप जीएसटी थोप सकते हो, नोटबंदी कर सकते हो, अर्थव्यवस्था चौपट आप कर रहे हो, सरहदों पर हम लगातार फेल होते जा रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ बोलता है, रक्षा मंत्रालय कुछ बोलता है, लेकिन ये चीज छुपती नहीं है। आज के युग में सैटेलाइट से फोटो खींच रही है, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं दुनिया देख रही है कि अतिक्रमण हो रहा है हमारी सरहद के ऊपर, उस पर जवाब देने का समय है और पूरा देश एक है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने शहीदों के बलिदान को नमन किया, 20 बिहार रेजिमेंट के हमारे सैनिक, उन्होंने शहादत दी अपनी, उनकी कुर्बानी क्या हम ऐसी जाहिर होने देंगे? उस मां से पूछो जिसका बच्चा गया है सरहद पर खड़े लड़ता रहा हमारी जमीन के लिए, लेकिन नेतृत्व में इतनी ताकत होनी चाहिए, आप छिप नहीं सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, सच्चाई बोलनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। और सच्चाई यह है कि आज हमारी सरहद पर लगातार चीनी सेना अतिक्रमण कर रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या करना चाहते हो? जो भी करोगे हम आपके साथ खड़े हैं, पार्टी साथ खड़ी है, पूरा देश साथ खड़ा है। ये जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस की बात नहीं है, भारत की अखंडता प्रभुता की बात है, आर्थिक सुरक्षा की बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कलेजा तो दिखाएं, वो कदम तो उठाएं, वो शब्द तो बोलें, हम समर्थन करेंगे आपका। बहरहाल आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन लिखा है और पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान के हर एक जिले से यह ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। अगले हफ्ते से हम ब्लॉक्स में मीटिंग करेंगे, मैंने अभी अध्यक्ष जी से चर्चा करी कि अगली मीटिंग जो हम करें वो हो सकता है हम वर्चुअल मीटिंग करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग एक गलत उदाहरण जनता के सामने रखें। आज का कार्यक्रम हम लोग बेहतर नहीं कर सके, उसका मुझे थोड़ा खेद भी है, लेकिन कृपया करके इस कोरोना के समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जब तक दवाई वैक्सीन नहीं आती तब तक अपना बचाव हमें खुद करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो हम कैसे आम मतदाता, आम व्यक्ति से ये उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए हम आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताएंगे, लेकिन आज का मुद्दा डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लेना पड़ेगा, दबाव बनेगा, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो जनता के दबाव को सहन कर सकती है। हम दबाव बनाएंगे, मांगों को रखते रहेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आम व्यक्ति धरना प्रदर्शन रैली नहीं कर सकता, उसको परमिशन नहीं मिलेगी, उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हम लोग उस व्यक्ति की आवाज बन सकते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी आवाज बुलंद करें, और डीजल पेट्रोल पर जो बेतहाई इन्होंने महंगाई बढ़ाई है उसका दूरगामी असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। और कोई, मैंने शुरू में आपको कहा, कोई मांग नहीं बढ़ गई, खपत कम हो गई, दाम कम हो गए, गाड़ी सड़कों पे गाड़ियां आधी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। इस सरकार की नींद खोलनी पड़ेगी। आज से 6.5 साल पहले हमने राजस्थान की उस समय की सरकार की आंख खोली थी, और आप सब हमारे उस समय के साथी हो, और अब हमने बीड़ा उठाया है कि केंद्र की सरकार की आंख खोलनी है, उसमें आप हम हमारा साथ दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जिलाध्यक्ष महोदय को, सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, और आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को वो चिट्ठी देकर हम जाएंगे और देंगे, ताकि दिल्ली में सरकार को पता लगे कि राजस्थान की जनता ऐसे नहीं बैठेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मजबूर करेगा कि आप बड़ी उद्धरों को वापस लें। मैं सिर्फ आया हूं साइकिल पे, मैं वापस भी साइकिल पे जाऊंगा अपने घर तक। असली धरना प्रदर्शन असली में तो यह है, अच्छी बात है, आज आप डिक्लेयर कर दो नो व्हीकल डे, वो भी किया इन्होंने। और मुझे खुशी है कि जब पिछले 3 महीने लॉकडाउन रहा, हम सब ने उसका पालना करी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज का जो कार्यक्रम है, जितना मैं चाहता था उतना अनुशासन से हम लोग नहीं कर पाए। मैंने बहुत सीमित, क्योंकि यहाँ कम कुर्सियां लगाकर 6-6 फीट दूरी पर हमने व्यवस्था करी थी, सीमित लोग बुलाकर एक प्रदर्शन करना था, लेकिन इतने हम सब आसपास खड़े रहेंगे मैं उम्मीद करता था हम लोग, लेकिन कई चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर रहती हैं। लेकिन अगली बार मैं चाहूंगा हम जो भी कार्यक्रम करें उसमें थोड़ी और अनुशासनता लेकर आए, क्योंकि हम लोग उदाहरण बनते हैं। आज हमको लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो आम नागरिक को लगना चाहिए कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कम से कम वो पालना कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं सरकारों की, प्रशासन की, उसकी पूरी पालना हमको करनी चाहिए।
इसलिए भविष्य में जो भी हम कार्यक्रम करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रशासन भी, सेवा दल भी, ताकि मैं जानता हूं बहुत दिनों के बाद हमें आज इकट्ठा होने का मौका मिला। हमें प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लगता है कि हमें हर 6-8 हफ्ते में कोई नया कार्यक्रम करना चाहिए, कोई गला साफ हो जाता है, क्योंकि मंत्रालय में बैठे बैठे बड़ा कला साहब बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है, जी जी करना पड़ता है, और अब पूरा अपने फॉर्म में आके आपने जो भाषण दिया और लगातार दिया 4-5 साल तक महेश जी प्रताप जी ने, और मुझे लगा कि इनको पार्टी ने मंत्री बनाया, जिम्मेदारी दी है, लेकिन इनका असली मन संगठन में काम करने का है, और संगठन ही हमारी ताकत है। हम सब लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से, आप सब लोगों ने मुद्दों को लेकर हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन आज भी वो मुद्दे हमसे दूर नहीं है।